हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको कितने बेनिफिट होंगे, पहले मैं वो आपको गिनवा देता हूँ। तो पहला है कि भारत बॉन्ड ईटीएफ की फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ भारत बॉन्ड ईटीएफ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत बॉन्ड ईटीएफ रिस्क क्या है, मतलब क्या ऐसे रिस्क हो सकते हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के, और थर्ड नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाउ टू इन्वेस्ट इन भारत बॉन्ड ईटीएफ, वो भी लाइव डेमो। तो ये इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए तो आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और इसको शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ बॉन्ड ईटीएफ आखिर है क्या। तो देखिए, भारत बॉन्ड ईटीएफ जो है ये एक ऐसा ईटीएफ है जो कि पब्लिक सेक्टर ट्रिपल ए रेटिंग में ही जो अपने इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको अगर मैं बताऊँ कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के मैच्योरिटी पीरियड हैं, एक है 3 साल का और एक है 10 साल का। तो अगर आप 3 साल और 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें ग्रोथ ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब जो भी आपका इसकी फ़ंड वैल्यू इंक्रीज़ होगी वो वापसी इसी फंड में दोबारा से इन्वेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्विकली एक ब्रीफ में अगर आपको दूँ, अगर आप डिटेल में भी चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बने तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड डिपेंड करते हैं उसके कूपन रेट इंटरेस्ट के ऊपर। जी हाँ गाइस, कूपन रेट इंटरेस्ट के ऊपर बॉन्ड की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, उसका रिटर्न डिपेंड करता है। तो लेट्स से आपका कूपन रेट 7% है और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है 3 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको 7% के हिसाब से जो रिटर्न है उसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो ये ईटीएफ है, इसका मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ये एनएससी पे ट्रेड होगा तो आप इसमें इन्वेस्ट जो है वो कर सकते। तो इसका रिटर्न होने वाला है 7.58%। अगर मैं बात करूँगा इस टैक्स बेनिफिट की, तो देखिए डेफिनेटली अगर आप एफडी में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जो भी उसका रिटर्न आता है, जो भी उसकी रिटर्न वैल्यू आती है, वो आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से लग जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ भारत बॉन्ड ईटीएफ की, तो यहाँ पे जो इसका टैक्सेशन है वो है गाइज, 3 साल का अगर आप इसमें इन्वेस्ट रहते हैं तो आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है, वो भी इंडेक्सेशन के साथ, तो वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यार इसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, यानी कि हाउ टू इन्वेस्ट इन भारत बॉन्ड ईटीएफ। तो चलिए इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 13 से लेकर 20 दिसंबर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडलवाइस इसको मैनेज कर लेती है, और चलिए देख लेते हैं अब इसमें इन्वेस्ट आपको करना कैसे, वो भी लाइव डेमो के थ्रू। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी खोल ली है ग्रो एप्लीकेशन, तो आप कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पूरा आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊँगा ग्रो के थ्रू। तो चलिए मैं अपनी ग्रो एप्लीकेशन जो है वो मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने अपनी ग्रो एप्लीकेशन खोल ली है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च में जाना है, आपको टाइप करना है भारत बॉन्ड। चलिए मैं भारत बॉन्ड टाइप कर देता हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा है भारत बॉन्ड FOF। दो वैल्यूज़ इसमें नज़र आ रही है, एक है अप्रैल 2023 की और एक है अप्रैल 2030 की, यानी कि 3 साल और 10 साल का ऑप्शन जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं अगर आपको 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसकी अगर मैं बताऊँ मिनिमम वैल्यू कितनी है तो 1000 रुपये है, और मैक्सिमम वैल्यू आप 2 लाख रुपये अपनी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ, चलिए मिनिमम वैल्यू मैं टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रोसीड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीड के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट कार्ट में ये वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड, कुछ कैसे भी कर सकते हैं आप। कितनी सारी लाइव डेमोज मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप उन वीडियो को जाके एक बार ज़रूर चेक कर लें, आपको पूरी की पूरी डिटेल इसमें मिल जाएंगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, सारे कंसेप्ट आपके भारत बॉन्ड ईटीएफ के लिए क्लियर हो गए होंगे। तो यार, एक लाइक तो बनता है बॉस, और साथ साथ शेयर भी करना है तो कर दीजिए प्लीज़, सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप सोच सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।